Jarvis, open Chrome and find my YouTube channel. Close Chrome. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं इमेज रिकॉग्निशन का यूज करके पायोटो जीयूआई की मदद से लोकेट ऑन स्क्रीन का यूज करके मैंने ये प्रोसेस करवाया है। मैं माउस एंड कीबोर्ड को कंट्रोल करके भी ये प्रोसेस मैंने करवाया था। उसमें मुझे क्रोम ऑन करवाना पड़ता, तो मुझे शायद समझ लो कि मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे है, तो मुझे माउस को यहाँ पे ड्रैग करवाना पड़ता है, मतलब इसके पिक्सल कोऑर्डिनेशन जो है वो मुझे इनपुट करना पड़ता था एंड माउस यहाँ पे ड्रैग होता था एंड उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि अगर मैं क्रोम को यहाँ से यहाँ पे हटा दूं तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेगा। उसको तो ये पता नहीं है ना कि क्रोम हट गया यहाँ से। अगर हम ये इमेज रिकॉग्निशन यूज करते हैं तो ये क्रोम हमारा स्क्रीन पे, हमारा डिस्प्ले पे, जहाँ पे भी हो वो इसको डिटेक्ट करेगा, वो इसको लोकेट करेगा एंड इसके ऊपर जाके क्लिक करेगा। तो मैं कोड दिखा देता हूँ, ये तो बेसिक सा कोड है यहाँ तक, उसके बाद कोड बस इतना ही है। एंड यहाँ पे क्लोज क्रोम का टास्क किल फंक्शन, ये तो मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ बहुत बार। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया है, मैं स्क्रीनशॉट एक बार दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट वन में है ये गूगल क्रोम, मैंने गूगल क्रोम का स्क्रीनशॉट लिया है। एंड इसको आपको कहाँ पे स्टोर करना है, आपको इस फोल्डर के अंदर उसको स्टोर करना है। इस फोल्डर को आपको कैसे मिलेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो ये ओपन हो गया। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट वन, स्क्रीनशॉट टू, स्क्रीनशॉट थ्री, जहां जहां मुझे क्लिक करवाना है उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। मैंने पहले गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करवाया, उसके बाद गूगल क्रोम के अंदर यूट्यूब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इस पे क्लिक करवाया। उसके बाद YouTube में ये जो सर्च बार होता है मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया एंड इसके ऊपर क्लिक करवाया एंड देन यहाँ पे हाउ टू मैनुअल लिखवा के सर्च करने के बाद ये जो मेरा चैनल आता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया एंड इसके ऊपर क्लिक करवा दिया। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट इसके अंदर डाल देना है इस फोल्डर के अंदर एंड उसके बाद यहाँ से कॉल करना है ऐसे। एंड यहाँ पे आप लोकेट ऑन स्क्रीन यूज कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है, लोकेट ऑन स्क्रीन करने पे वो क्लिक कहाँ पे होगा, वो क्लिक यहाँ पे होता है, मतलब लोकेट ऑन स्क्रीन वो जो पहला पिक्सल स्टार्ट होता है ना, मतलब इसका ये जो बॉक्स देख सकते हो ये यहाँ पे होता है पहला पिक्सल स्टार्ट, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। तो इससे क्या होता है, कभी कभी क्लिक नहीं हो पाता है एंड मिस हो जाता है, तो इसीलिए मैंने लोकेट सेंटर ऑन स्क्रीन किया है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे नहीं, एकदम साइड में नहीं, एकदम मिडिल पे क्लिक करेगा, उससे इसके एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। ये जो शॉर्टकट मैंने दिया है ऑल्ट स्पेस देन एक्स प्रेस करवाया, इससे क्या होता है जो मिनिमाइज विंडो रहता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। एंड देन यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट टू जो यूट्यूब लिखा होता है उसके ऊपर क्लिक करवाए, देन यहाँ पे स्क्रीनशॉट थ्री मतलब जो सर्च बार होता है उसके ऊपर क्लिक करवा के यहाँ पे हाउ टू मैनुअल लिखा है 0.1 सेकंड टाइम लेके। अगर आप चाहते हो कि ये बहुत फास्ट ये टाइप करे तो आपको इसको हटा देना है, इस पोर्शन को हटा देना है। ठीक है, देन हमने इंटर प्रेस करवाया। देन यहाँ पे क्या होता है, मुझे एक प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि वो स्क्रीनशॉट फोर मेरा जो चैनल है उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एस्केप एक बार प्रेस करवाया। मुझे लगता है कि कहीं पे माउस कर्सर वहाँ पे डिसेबल हो जाता है एंड वो इसके ऊपर प्रेस नहीं कर पाता है, इसके ऊपर क्लिक नहीं करवा पाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करवाया एक बार। उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट फोर मतलब मेरा जो चैनल का स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर क्लिक करवाया। ठीक है, अब देख सकते हो कि मैंने बहुत बार ये स्लीप टाइमर यूज किया है, इसको आपको यूज करना है क्योंकि हर एक बार, मतलब जैसे मैं एक बार दिखाई देता हूँ, अब देख सकते हो ये यूट्यूब ओपन हो गया, मैंने यूट्यूब ओपन किया तो देख सकते हो कि यूट्यूब ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखा, बहुत टाइम ले लिया ये ओपन होने में, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ना वो प्रोसेस तो एकदम से स्टार्ट हो जाएगा एंड वो मिस कर जाएगा। ठीक है, उसको अभी तो ये सर्च बार ढूंढना था, तो अभी यूट्यूब ऑन ही नहीं हुआ तो उसको ये सर्च बार मिलेगा कहाँ से, तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा कि मुझे मिला नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइमर यूज किया है कि एक सेकंड या फिर यहाँ पे मुझे दो सेकंड टाइम लगा कि यूट्यूब लोड होने में दो सेकंड टाइम लग रहा है। तो आपको ऐसे आपका अगर कंप्यूटर या फिर इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो आपको यहाँ पे स्लिप टाइमर में थोड़ा सा टाइमर ज्यादा दे देना है ताकि ये एरर ना आए। अगर आपका काम ना करे तब जाके इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज करके देखना।